യഹോവാ എലിയോൻ സൃഷ്ടികർത്ത മേരാ പിതാ ബൻ ഗയാ യഹോവാ എലിയോൻ സൃഷ്ടികർത്ത മേരാ പിതാ ബൻ ഗയാ അബ്തോ മേ സനത് ഹൂ അബ്തോ മേ സനത് ഹൂ പവിത്രത क्या चीज है होलीनेस. मैं छोटे छोटे चीजों में भी ये देख के मैं करते था क्या ये परमेश्वर का वजन क्या कहते मेरा यीशु को ये पसंद आएगा क्या. हालेलुया पवित्र धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु. आज सुबह मैं आप सबको ऐसे एनकरेज करना चाहता हूं आप भी एक निर्णय ले लो मैं पवित्र जिंदगी बिताएगा मैं विश्वास योग्य बन के जिएगा. आई विल बी फेथफुल. बाकी सभी लोग उनका मर्जी में जीने दो. मैं परमेश्वर का वजन के लिए विश्वास योग्य बन के जिएगा. हो हालेलुया. मैं परमेश्वर का वजन के लिए विश्वास योग्य बन के जिएगा. मैं प्रार्थना में और समय दे देगा. धन्यवाद ईश्वर. जवानी अभिलाषों को चोटके में भागेगा. जवानी अभिलाषों को चोटके क्या करना है तो जवानी अभिलाषा बोलेगा तो हमें लगेगा कुछ टीनेज में जो जी रहे उस बच्चों के बारे में बोल रहे. नहीं तो जवानी अभिलाषाओं का मतलब ये नहीं है सिर्फ जवान लोगों को होने वाला अभिलाषो. जवानी अभिलाषाओं का मतलब ये है जवान लोगों में ज्यादा होते वो अभिलाषो अभी भी अपना अंदर है. कुछ परमेश्वर का दासों में इसे कहते दाऊद ने पाप किया. कभी पाप किया? 19 साल जब था तभी नहीं पाप किया. जब 16 साल 17 साल 18 साल 19 साल व्हेन ही वाज इन हिज टीनेज मैं क्या कहा जब 16 साल था 17 साल था ही वाज अ फायर ब्रांड पर्सन हु स्टूड फॉर होलीनेस. सही है ना. दाऊद कौन था? 16 साल का दाऊद कोई भी गोलियात को चुनौती देने के लिए ताकत दा वैसे दाऊद दा. He was young. Hallelujah. But he was strong. कितना लोगों को समझ में आ रहे. 16 साल का दाऊद टीनेजर नहीं था उस समय में. एज में टीनेज था लेकिन मन के अंदर इतना पवित्रता के साथ में जीने वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति था. Hello, in his heart he was old enough, he was mature enough, he kept holiness in his life. Sahi hai na. Goliath ka saath mein bhi chunauti dene ke liye taiyar tha. Kyon? Kyunki unke paas ek holiness hai. Lekin usi Daud 50-55 saal ho gaya tabhi. Hallelujah. Ek teenager ka jaisa behave kiya. Hello. मैं बोल सकता हूं बोलना चाहता टीनेज में इतना पवित्रता के साथ में जिया जवान उम्र में इतना पवित्रता के साथ में जिया उसी व्यक्ति बुजुर्ग होने के बाद में क्या हो गया पाप का अभिलाषों में गिर गया. हेलो ये कितना आपत्कारी है. इसलिए मैं कहना चाहता हूं भाइयों बहनों इसमें आपका उम्र एक विषय नहीं है. दिल के अंदर आ रहे अभिलाषाओं के ऊपर आपको क्या करना है जीत बनाए. यू हैव टू ओवरकम इट. शैतान दिमाग के अंदर कुछ ना तो कुछ सोच डालेगा. अगर वो परमेश्वर के वजन का विरुद्ध में पवित्र नहीं है शुद्ध नहीं है उस विचारों को उस सोचों को उसी क्षण क्या करना है यीशु का लहू से साफ करना है. एक सफाई का काम अंदर होना है. हालेलुया. साफ करके शुद्ध करके अब अंदर ही अंदर बोलना है ईश का लहू से छे. हालेलुया. रक्तम छे कहां बोलना है. जैसे सोच अंदर आएगा तुरंत अंदर ही कोई किसी को सुनने का जरूरत नहीं है. तुरंत अंदर बोलना है रक्तम छे. गलत जगह में आपका दृष्टि गया आपका आंखों गया तो अंदर ही क्या बोलना है ईश के लहू से छे. क्यों? क्योंकि उस पाप का कीश को आप क्या कर रहे ओवरकम कर रहे. धन्यवाद ईश. धन्यवाद यीशु.
इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, जवानी अभिलाषाओं को छोड़ के हमें क्या करना है, हमें हमें भागना है। आई वचन में इसे लिखा है, हमें भागना है। हालेलुया, वी शुड रन अवे फ्रॉम यूथफुल डिजायर्स। हालेलुया, एक दो वचन जल्दी पटके हम प्रार्थना करेगा। कृपा करके भजन संहिता 119 उसका नवा वचन पढ़िए, साम्स नंबर 119 उसका नवा वचन पढ़िए। भजन संहिता 119 का नव, देखो जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रखते हैं। ओ इट्स अ क्वेश्चन टुडे, दिस इज माय मैसेज, हाउ कैन एन यंग पर्सन कीप देयर वे प्योर। एक जवान व्यक्ति कैसे उसका चाल को शुद्ध रख पाऊंगा, ना तो जवानी अभिलाषाओं को ऊपर जीत पाके कैसे जी पाऊंगा, ना तो कैसे पवित्रता के साथ में जी पाऊंगा, कैसे शरीर को मन को पवित्र रखे जी पाऊंगा। इट्स अ बिग मैसेज, आई डो नॉट थिंक आई कैन कंप्लीट इट विद इन फ्यू मिनट्स, बट जस्ट लेट मी समराइज इट। एक बड़ा संदेश है लेकिन मैं छोटा करके मैं बोलना चाहता हूं। हेलो, कितना लोग सुन रहे, क्या कहा मैंने, हाउ यू कैन लीड ए प्योर लाइफ, हाउ यू कैन लीड ए लाइफ विथ प्यूरिटी, हाउ यू कैन ओवरकम सिन, पाप को ऊपर कैसे जीत पा सकते हैं आप। धन्यवाद यीशु, मैं छोटा छोटा कुछ टिप्स आपको देना चाहता हूं, कुछ सूचना है ना, कुछ टिप्स आपको देना चाहता हूं। नंबर वन, भजन संहिता 119 का नवा वचन में भक्त ने कहा, एक जवान कैसे उसका चाल को शुद्ध रखेगा, कैसे रखेगा, आगे पढ़िए, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से, तो पवित्र जिंदगी कैसे बिता पाऊंगा, पवित्रता का साथ में कैसे जी पाऊंगा, परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने से। परमेश्वर का वचन को हमें सीखना है और उस वचन के अनुसार हमें चलना है। वॉक अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन को सीखे उस वचन के अनुसार चलो, आपके जीवन में पवित्रता मिलेगा। हालेलुया, पवित्रता को आप रख पाओगे। जवानी अभिलाषो है ना, मैं कहा जवानी अभिलाषो सिर्फ जवानों के अंदर होता नहीं है, बुजुर्ग लोगों के अंदर भी होता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। गलत सोच, गलत कामों करने का चिंता, यूथफुल पैशंस, वो बड़े लोगों के अंदर भी आते हैं, लेकिन क्या करना है, जीत पाना है। दो तीन वचन जल्दी पढ़िए, विशेष रूप में तिमोथियस को पौलुस ने पत्री लिखा, तभी तिमोथियस को बता के दिया कुछ वचनों में, ये याद में रखना चाहिए। तिमोथी एक नौजवान था, एक यंग पास्टर था तिमोथी, कौन, यंग पास्टर। तो इसका मतलब है ना, यह सिर्फ विश्वासियों पाप को ऊपर जीत पाना है, इसका मतलब यह भी है शायद पास्टर के अंदर भी क्या आएगा, जवानी अभिलाषों में आएगा। हेलो, पास्टर भी आपका जैसे क्या है, एक मामूली इंसान है। आज के जमाने में क्या होता है, मैंने पास्टर को हम एक सुपर हीरो सोचेगा, पास्टर बहुत बड़ा है, वो जीत पाए, नहीं भाई। हालेलुया, चौकस नहीं रहेगा तो पास्टर भी कभी क्या होते हैं, पाप में गिर जाएगा। इसलिए इस संदेश सिर्फ विश्वासी लोगों के लिए नहीं है, ये संदेश लीडर्स लोगों के लिए भी है। अपने कलीसिया में काफी लीडर्स है, प्रेयर सेल लीडर्स है, मैं सबको बोलना चाहता हूं हमें क्या करना है। हालेलुया, जवानी अभिलाषों के ऊपर जीत पाके जीना है। धन्यवाद यीशु। तिमोथी बहुत बड़ा पास्टर था, से छोटा पास्टर नहीं है, एक मेगा चर्च का पास्टर था। हेलो उस जमाने का सबसे बड़ा कलीसिया का पास्टर, उस जमाने का पहले शतक में दुनिया में सबसे बड़ा कलीसिया था यफसोस का कलीसिया, कौन सा कलीसिया, मेगा चर्च। उस मेगा चर्च का बिशप, अपने भाषा में पास्टर, कौन, तिमोथी। हालेलुया, तिमोथी को पौलुस कह रहे, तिमोथी
बात सही है, तुम मेगा चर्च का पास्टर है, लेकिन तेरा अंदर भी क्या आने का चांस है? जवानी अभिलाषों आने का चांस है। तुझे क्या करना है? तुझे इसको छोड़ के भागना है। अगर तुम पाप के ऊपर जीत पाके जीना चाहते तो तुम्हें भागना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यूसुफ ने क्या किया? भागा। जितना तुम भागने में स्लो हो जाते, पाप तुम्हें खींच के गिराएगा। लगा तुम्हें इस जगह गलत है, फिर एक सेकंड भी उधर रुकना नहीं है। हालेलुया, भागना है उधर से। हालेलुया, भागना है उधर से, उठ के भागना है। इसलिए भजन संहिता एक में लिखा, दुष्टों का युक्ति के अनुसार हमें चलना नहीं है। फिर और क्या लिखा? पापियों का मार्ग में चलना नहीं है। हालेलुया, टट्टा करने वाला का सभा में बैठना नहीं। फिर क्या करना है? उधर लिखा है खड़ा होना नहीं, चलना नहीं, बैठना नहीं। फिर बाकी क्या है? भागना है। जो लिखा नहीं उधर, लेकिन क्या करना पड़ेगा? उस उधर से भागना पड़ेगा हमें। यूसुफ ने भागा। पिछले काफी मीटिंग में प्रोकात्मा यही बार बार बोल रहे, शुक्रवार को भी बोला, काफी मीटिंग में बोल रहे, भागना पड़ेगा हमें, भागना पड़ेगा। कहां से भागना पड़ेगा? पाप से भागना पड़ेगा, संसार का अभिलाषों से भागना पड़ेगा। तिमोथियों को जो लिखा हुआ पत्री में आपका ध्यान लाइए, पहले तिमोथी 6:11 पढ़िए जरा, फर्स्ट तिमोथी 6:11। फ्ली फ्रॉम द थिंग्स यू मैन ऑफ गॉड, हिंदी में पढ़िए। हाँ, हे परमेश्वर का जन, इफ यू वॉन्ट टू बिकम ए मैन ऑफ गॉड, अगर तुम परमेश्वर का एक प्रतिनिधि, परमेश्वर का जन बनाना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? है? और एक बार जोर से बोलिए ना, भागना पड़ेगा। हालेलुया, तुम्हें भागना पड़ेगा। हम दौड़ा बाद में मैं जाएगा बोल के उधर खड़ा रहेगा तो ठीक है, देखेगा क्या होने वाला है, सोच के उधर खड़ा रहेगा तो पाप तुम्हें गिराएगा। हालेलुया, क्या करना पड़ेगा? भागना पड़ेगा। अगर आपको रेड सिग्नल आया, देखो ये जगह गलत है, एक परमेश्वर का बच्चा एक सेकंड भी रुक नहीं पाऊंगा, क्या करना पड़ेगा? बीच में बोलना चाहता हूं, जहां ढोल बजाते सब जगह में जाके आपको नाचना है? सबके साथ में डोलने के लिए मत जाओ। हालेलुया, दुनिया को खुश करने के लिए मत जियो, परमेश्वर को खुश रखो। भागो, कहां से भागना है? संसार का हर अभिलाषा से, शरीर का अभिलाषाओं से भागना है, भागना है। लोग बोलेगा आ जाओ ना मेरे साथ में 10 मिनट बैठो ना, उसे क्या तेरा फर्क होने वाला है? तो टट्टा करने वाला का मंडली में तुम जाके मत बैठ। हम प्रार्थना सभा में आएगा एक दूसरे का दोष बोल के बैठना? हाँ, प्रार्थना 7:30 बजे शुरू होने वाला है तो हम 7 बजे आएगा एक दूसरे का दोष बोल के उधर ही बैठेगा ना, उन्होंने ऐसे किया, इन्होंने ऐसे किया, पड़ोसी का कहानी, इसका कहानी, तुझे उससे क्या आशीष मिलते। हेलो, कितना लोग सुन रहे? फोन उठाएगा तो कभी भी अन्य व्यक्तियों का दोष मत बोलो, विश्वासी हो अविश्वासी हो, आपको उससे कुछ आशीष मिलने वाला नहीं है। दूसरों का दोष बोल के हमें क्या आशीष मिलने वाला है? तो टट्टा करने वाला का मंडली में कभी भी जाके बैठना नहीं है। उन्होंने बोले कि बैठो ना, तेरे पास बहुत समय है ना, मेरे साथ में 10 मिनट बैठो ना, उस 10 मिनट आपको उधर बिठाएगा, फिर शैतान क्या करेगा? गिराएगा। उससे अच्छा बोलना है मुझे बहुत काम है। क्या काम है? क्या काम है? किचन में काम नहीं होगा, लेकिन मुझे घुटना में बैठ के बहुत काम करना है। हालेलुया, मुझे घुटना में होकर बहुत प्रार्थना करना बाकी है। जाके प्रार्थना करो ना, उस समय आपके लिए, आपका परिवार के लिए, आपका बच्चों के लिए, आपका पड़ोसी के लिए, वो जो मंडली में बैठा उन लोगों के लिए तरस खा के क्या करो? प्रार्थना करो। कितनी अच्छी बात है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। भागो तिमोथियुस को परमेश्वर का आत्मा पौलुस का द्वारा कह रहे,
Oh, you the man of God. If you want to become a man of God, young servant of God, परमेश्वर का जो सेवक नवजवानों में उनसे मैं कहना चाहता हूं, भागो भागो संसार का अभिलाषा से, क्या करो, भागो, पवित्रता रखो जीवन में, हालेलुया, विश्वास योग्य बन के जियो, प्रार्थना में और मजबूत हो जाओ, तुम्हें इस दुनियादारी से क्या करना है, भागना है, तेरा टीनेज ईश्वर को देना है, हालेलुया, तेरा टीनेज है ना, तेरा नवजवान और जवान रक्त किसको देना है, ईश्वर को देना है। पहले तिमोथियुस 4:12 पढ़िए, पहले तिमोथियुस 4:12, हाँ, कोई तेरा जवान को तुच्छ ना समझने पाए, इसका मतलब क्या है मालूम है तिमोथियुस, तुम बड़ा कलीसिया का पास्टर है लेकिन तुम एक यंग पर्सन है, नवजवान है, लेकिन लोगों को लगना नहीं है तुम एक नवजवान है, कोई सोचना नहीं है तुम एक नवजवान है, देखने वाला को लगने चाहिए ये जो कुछ छोटा बच्चा नहीं है, ये बहुत परिपक्व है, हालेलुया, ध्यान से सुन लीजिए आगे क्या लिखा है मालूम है 5 अध्याय में, जरा पढ़िए, पहले तिमोथियुस 5 अध्याय का पहले का है तो, हाँ, किसी बूढ़े को ना डर, हाँ, पर उसे पिता जानकर, उसके पिता जान के समझा दे, हाँ, उम्र में आपसे बड़ा है उनको कौन समझना है, उम्र में आपसे बड़ा है उसको कौन समझना है, पिता समझना है, और उसका आगे, और जवान को भाई जानकर, हाँ, और बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर, आपसे उम्र में ज्यादा है स्त्रियों को कौन समझना है, आपका माँ का जैसा समझना है, और उससे कम, हाँ, और जवान स्त्रियों को, हाँ, पूरी पवित्रता से कैसे, पूरी पवित्रता से, मतलब क्या है, तुम नौजवान है, तेरे सभा में काफी स्त्रियों आते हैं, तेरे से उम्र में कम स्त्रियों को दिल का सारे पवित्रता के साथ में तुम्हें बहन समझना है, हालेलुया, तिमोथियुस को पौलुस बोल के दे रहे, हे तिमोथियुस तुम्हें जवानी अभिलाषों को चोट के जीना पड़ेगा, उसे तुम्हें दूर रहना पड़ेगा, मैं कहना चाहता कलीसिया का भाइयों बहनों, ये सब कुछ सबके लिए क्या है, एप्लीकेबल है, ये सब विश्वासियों के लिए नहीं है, ये पास्टर के लिए भी एप्लीकेबल है ना, पास्टर लोग भी ऐसे होना चाहिए, पास्टर को भी शैतान गिराना चाहते हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस वजन का पालना करके जीना पड़ेगा, पाप को ऊपर जीत पाके जीना पड़ेगा, तो नवजवान हो, जवान कैसे उसका चाल को शुद्ध रखते, परमेश्वर का वजन का पालना करके जीने से, कुछ काफी वचनों में अब दूसरा तिमोथियुस 2:22 जरा पढ़िए, दूसरा तिमोथियुस 2:22 किधर भी लिखा है भागो, तुमको कुछ चीज को छोड़ के भागना है और कुछ चीजों को तुम्हें पीछा करना है, हालेलुया, यू वांट टू रन अवे फ्रॉम समथिंग एंड यू वांट टू फॉलो समथिंग, हालेलुया, कुछ चीजों को आपको छोड़ के भागना है और कुछ चीजों को आपको पीछा करना है, क्या छोड़ के भागना है, द डिजायर ऑफ फ्लैश, जवानी अभिलाषाओं को चोट के आपको, मैंने वापस बोलना चाहता हूं, भागना पड़ेगा, एक सेकंड भी उधर रुकना नहीं, आपको लगा मैं गलत जगह में है, फिर देखेगा बोल के उधर रुकना नहीं है, जल्दी उधर से जगह क्या करना है, खाली करना है, रन अवे फ्रॉम सिन, जो लोग पाप से डर के भागा सिर्फ वो लोग जीत पाया है, जो लोग पाप से डर के भागा सिर्फ वो लोग जीत पाया है, पीछा करो धार्मिकता का पीछा करो, और क्या, मेल मिला, विश्वास, प्रेम, मेल मिला, इन बातों को तुझे पीछा करना है, अभी आपका ध्यान लाइए तीतुस का पत्र 2 अध्याय में, तीतुस 2 अध्याय का 4वां वचन से, ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया
हाँ उसका एक दो वजन ऊपर से पढ़िए। ताकि जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे। हाँ जवान स्त्रियों, उनको पौलुस चेतावनी दे रहे। ध्यान से सुनना है, सिर्फ पुरुषों को नहीं कह रो, स्त्रियों से भी कुछ बातों परमेश्वर का आत्मा कह रो। इधर जवानी स्त्रियों से चेतावनी दे रो। हाँ पढ़िए। अपने पति और बच्चों से प्रीति रख। स्त्रियों क्या करना है, परिवार में पति बच्चों सबको अच्छा से प्यार करके जीना है, उसको संभालना है। हालेलुया। पति को क्या करना है, बहुत प्यार करना है, बच्चों को बहुत प्यार करना है, और घर को अच्छा से संभालना है, चलाना है। ऐसा होना चाहिए एक परमेश्वर का बच्चा, एक स्त्री। भक्ति बोलेगा तो सिर्फ अन्य भाषा बोलने का काम नहीं है, भक्ति बोलेगा तो सिर्फ कलीसिया में आने का काम नहीं है, भक्ति बोलेगा तो हर मंडली में हमें परिवर्तन होना चाहिए। सही है ना। हाँ और आगे पढ़िए। और संयमी पतिव्रता। हाँ घर का कारोबार करने वाली। देखो अपने आप को परखना है, जानना है पतिव्रता और संयमी होना चाहिए घर का काम करने वाली। ये परमेश्वर का वचन स्त्रियों को दिया वह जिम्मेदारी है। और उसका आगे पति के अधीन रहने वाला होना चाहिए। और उसके आगे ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। देखो ताकि क्या नहीं होने वाला है, घर के अंदर अगर एक स्त्री ऐसे व्यवहार नहीं करेगा तो क्या होने वाला मालूम है, क्या होने वाला है? आपका परिवार का ऊपर निंदा नहीं, परमेश्वर का नाम भी। हालेलुया। कितना प्यार से प्रोकात्मा आज हमें समझा के दे रहे। पास्टर गुस्सा से बात करते हैं क्या? हेलो, क्योंकि बातों में इसे कठिन बातों में इसलिए प्यार से बोलेगा तो अच्छा है। हालेलुया। कितना लोगों समझ में आ रहे। एक स्त्री परिवार के अंदर वजन के अनुसार नहीं जिएगा तो, व्यवहार नहीं करेगा तो, उस कारण से हालेलुया परमेश्वर का वजन का, परमेश्वर का नाम का बदनामी, निंदा होने वाला है। भूलना नहीं है, सिर्फ आपको नहीं है। एक बार दाऊद ने क्या कहा मालूम है, मेरा कारण से परमेश्वर का नाम का बदनामी ना होना है। तो आपका नाम बदनाम होने दीजिए चलेगा, लेकिन परमेश्वर का नाम को आपका कारण से बदनामी लिखे रखना है। मेरा कारण से कभी भी परमेश्वर का नाम का बदनामी होना, मैं परमेश्वर का बच्चा है, मैंने जो गलती करेगा समाज का सामने लोग बोलेगा नहीं फिनी ने गलती किया, लोग बोलेगा पास्टर ने गलती किया, लोग बोलेगा इन्होंने हर संडे बाइबल लेके घूमते और इन्होंने हफ्ते के बाकी दिनों में क्या क्या बोलते क्या क्या देखते, देखो है ना। सही है ना। नाम किसका बदनाम होने वाला है। हेलो, आप विश्वासी विश्वासी बोल के हर जगह जाकर सुसमाचार बताते और आपका मुंह से गाली आएगा, लोग क्या बोलेगा, अरे यही है क्या विश्वासी। अब बोलेगा नहीं फिनी ने गाली दिया, लोग बोलेगा नहीं फिनी ने गाली दिया, लोग क्या बोलेगा, ये बहुत बड़ा विश्वासी है उन्होंने गाली दे रहे। सही है ना। बदनामी किसका नाम का हो रहे। इसलिए बोला देखो जवानी अभिलाषाओं के साथ में आप हलल जिएगा, परमेश्वर का नाम का बदनामी होने वाला है। आगे पढ़िए, जल्दी पढ़िए। हाँ हाँ पुरुषों को भी बोल रहे संयमी हो। हाँ आपको नमूना बनना है। ध्यान से सुनो, भले कामों की, अब हर व्यक्ति एक नमूना बनना है आपको। देखे लोग बोलना चाहिए इनका जैसे बनना है, इनका जैसे पवित्रता का साथ में जीना है, इनका जैसे विश्वास योग्य होकर जीना है। बी ए रोल मॉडल, बी ए रोल मॉडल। आज का जमाना में रोल मॉडल्स कम है। सही है ना। लेकिन वचन कहते परमेश्वर का हर बच्चा एक रोल मॉडल बनना है, एक नमूना बनना है। आगे पढ़िए। हमें हालेलुया। तिमोथियोस का पत्री पहले पत्री पांचवा अध्याय में तिमोथियोस 5:13 जरा पढ़िए।
देखो घर घर फुरकर मैंने पहले भी कहा अपने पास बहुत समय है, हम इधर से 604 में जाएगा, उसके बाद में बी विंग में 204 में जाएगा। हेलो, कितना लोगों को समझ में आ रहे? घर घर फुरकर हम घूम रहे और कौन बन गया उधर जाके क्या करेगा? उधर जाके अन्य लोगों का हमें बुराई है ना, चुकली कुछ भी हो। हालेलुया, लोग आत्मा बोल रहे देखो ये सब कुछ छोड़ो, ये सब कुछ छोड़ो, धन्यवाद यीशु, पवित्रता के साथ में जियो, इस अभिलाषाओं को छोड़ो, अपने पास इसे बर्बाद करने के लिए समय हालेलुया नहीं है। हमें सोचना है हम कौन है, हम राज पद अधिकार मिला हुआ लोग है, यू आर किंग्स एंड रूलर्स, हम याचक लोग है, हम पुरोहित लोग है ना, राज्य की या क्या बोलते राज राजपदारी याचकों में हम राजपुरोहित है, ऐसे हमें व्यवहार करना है। एक राजपुरोहित हालेलुया ये कामों के लिए जाने वाला नहीं है, एक राजा इस कामों के लिए जाने वाला। एक क्षण अपने आप समर्पण कर दीजिए, आंखों बंद कर दीजिए और कहो प्रभु जी मुझे पवित्रता के साथ में जीना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू लिव विथ होलीनेस। हाउ एन यंग पर्सन कैन रन अवे फ्रॉम सिन, हाउ एन यंग पर्सन कैन लिव हिज लाइफ इन प्यूरिटी। हालेलुया, पवित्रता का साथ में कैसे व्यक्ति को जी पाऊंगा, कैसे जी पाऊंगा? परमेश्वर का वचन का अगुवाई का अनुसार चलने से, परमेश्वर का वचन का युक्तियों के अनुसार चलने से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, एवरीबॉडी प्रे हालेलुया। ऐसे प्रार्थना कर दीजिए, प्रभु जी मेरा जीवन को हाथ में सौंप देता हूं, मेरे जीवन में एक नया काम करो प्रभु जी, एक अद्भुत काम कर दीजिए प्रभु जी। कोयर स्टेज में आ जाइए, हम साथ में गाना गा के आराधना करने के लिए जा रहा हूं। मैं सबको हालेलुया ऐसे निवेदन करना चाहता हूं, एक निर्णय ले लो, टेक ए डिसीशन, प्रभु मैं आपके लिए जिएगा, मैं हर दिन प्रार्थना करेगा, मैं हर दिन प्रार्थना करेगा। कुछ लोग ऐसे निर्णय ले लो, मैं कम से कम एक व्यक्ति को हर दिन में सुसमाचार बोलने वाला है, एटलीस्ट टू वन पर्सन आई विल शेयर गॉस्पल। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ऐसे कुछ लोग प्रार्थना करो, प्रभु जी मैं पवित्रता का साथ में जीना चाहता, ऐसे प्रार्थना करो मैं विश्वास योग्य बन के जीना चाहता।